जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में, इसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। पॉजिटिव पॉइंट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से। तो रॉयल एनफील्ड की ये सबसे हल्की बाइक है, तो अगर आप भी 2023 में रॉयल एनफील्ड की एक बाइक लेने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि वो थोड़ी लाइट वेट हो, थोड़ी हल्की हो बाकी अदर रॉयल एनफील्ड से, तो आप हंटर 350 कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसका एक पॉजिटिव पॉइंट वो है इसका हैंडल बार। इसका जो हैंडल बार है वो दूसरी रॉयल एनफील्ड बाइक से, जैसे कि मीटियोर या फिर क्लासिक 350 से थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है, ब्रॉड मतलब चौड़ा है। तो ये बाइक काफ़ी अच्छी हैंडलिंग देती है आपको। उसके साथ साथ आपको इसमें छोटे टायर्स मिल जाते हैं। वही मैं आप बार बार कंपेयर रॉयल एनफील्ड की दूसरी बाइक से ही करूँगा, तो रॉयल एनफील्ड की दूसरी बाइक से के कंपेरिज़न में इसमें आपको थोड़े से छोटे टायर्स मिलते हैं। तो ये छोटे टायर्स और ये हैंडल आपके हैंडलिंग को परफेक्ट कर देता है, जो कि अगर आप स्ट्रीट वगैरह में चलाते हैं तो आपको उसके लिए काफ़ी इसको परफेक्ट कर देता है। तो उसके बाद हैंडलिंग के बाद अगर हम बात करें तो बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, जो कि एक रेट्रो रोडस्टर मोटरसाइकिल का होता है, जिसको स्ट्रीट मोटरसाइकिल भी कहते हैं। तो ये जो डिज़ाइन है ये बहुत अच्छा है यंगस्टर्स के लिए। यंगस्टर्स से मेरा मतलब है जो कि 18 साल के बाद के जो लोग हैं, कोई भी बॉय या गर्ल, तो 18 से 24 25 इस एज के लिए ये एक परफेक्ट बाइक है। पहली चीज़ जो कि ये बहुत हल्की है, और दूसरा हैंडलिंग में काफ़ी बढ़िया है, मस्त चलती है, ठीक है। इसके बाद हैंडल इस डिज़ाइन के साथ साथ इसमें आ जाता है आपका J1 सीरीज़ का 350 सीसी का इंजन, जो कि आपको एक अच्छा पावर और टॉर्क देता है। 350 सीसी के इंजन में एक ये बहुत अच्छी बाइक है अगर आप एक यंगस्टर हैं। वो उसका मैं रीज़न आपको मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो इसका सिटिंग पोस्चर है वो कंफर्टेबल उन्हीं लोगों के लिए जो इस एज के हैं। इसके बाद थोड़ा आपको पेनफुल लग सकता है, मैं नेगेटिव पॉइंट में ये बात और क्लियर करके बताऊँगा। तो इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं बस यही हैं, ठीक है। तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं आपको। पहली चीज़ ये लाइट वेट है, दूसरी चीज़ उसका हैंडल बार अच्छा है, और टायर्स छोटे हैं तो स्ट्रीट में बहुत अच्छी चलती है, स्ट्रीट राइडिंग बहुत अच्छी रहेगी आपकी। इससे डिज़ाइन रेट्रो है, यंगस्टर्स के लिए अगेन बोलता हूँ अच्छा है। एक जो चीज़ मैं मिस कर गया वो मैं बताता हूँ आपको, ये इसके सस्पेंशन गेटर्स आते हैं, जो सस्पेंशन कवर्स हैं, जो इसके सस्पेंशन को डर्ट से बचाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। तो नेगेटिव पॉइंट में मैं पहली चीज़ यही अगेन बोलूँगा कि इसका डिज़ाइन, तो जो इसका डिज़ाइन है वो बस स्ट्रीट रेसिंग के लिए ही है, स्ट्रीट राइडिंग के लिए ही है। इसको आप एज अ टूरिंग स्टफ नहीं देख सकते, आपको इसको टूर पे नहीं ले जा सकते, आप इसको लॉन्ग राइड्स पे नहीं लेके जा सकते। हालांकि एक अच्छे इंजन होने की वजह से ये काफ़ी दूर चल लेगी, बट मैं क्योंकि इसका जो सेटिंग पोस्चर है वो आपके हाथों में जब आप बैठते हो ऐसे, तो आपके पाम्स में यहाँ पे पेन देगा थोड़ा सा, और लॉन्ग टूरिंग के लिए इसका सिटिंग पोस्चर अच्छा नहीं है, जैसा कि आपको रॉयल एनफील्ड में मिल जाता है। हालांकि वो एक क्रूज़र है तो डेफिनेटली उसका सिटिंग पोस्चर वगैरह अच्छा होगा ही। तो बस यही है कि इसमें आपको एक टूरिंग स्टफ नहीं है, और अगर आपको इसको एक टूरिंग स्टफ बनाना है तो इसमें आपको काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस करानी होंगी, जैसे कि थोड़ी ब्रॉड फुट पैक्स वगैरह, ठीक है। हैंडल बार में
ये हैंडल बार में यहाँ रेजर्स आते हैं यहाँ के लिए, तो हैंडल बार रेजर्स लगाने होंगे ताकि आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो थोड़ा बेटर हो सके, ठीक है। दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है इसके सस्पेंशंस दोस्तों। तो इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे नहीं हैं, स्टिफ हैं थोड़े से। अगर आप थोड़ा 20-30 किलोमीटर की राइड पे जाते हो तो आपको पता लगने लग जाएगा कि कंफर्टेबल नहीं है। और पिलियन के लिए तो खैर सीट भी थोड़ी सी छोटी है और पीछे जो सस्पेंशन है ये अच्छे नहीं है बिल्कुल भी। तो आप 20-30 किलोमीटर से ज़्यादा की अगर राइड करते हो या 10-20 किलोमीटर में जो ज़्यादा कंफर्टेबल, जो ज़्यादा कंफर्ट ढूंढता होगा बंदा, उसके लिए तो पहले ही पता चल जाएगा कि वो कंफर्टेबल बाइक नहीं है। तीसरा इसमें ये जो इसका क्या बोलते हैं इसको, जो इसका बैक रेस्ट आता है वो भी इतना बड़ा नहीं है। तो वो लगवा, अगर आप लगवा भी लेते हो तो वो भी आपको कोई 100% कम्फर्ट नहीं देने वाला है। चौथी चीज़ जो है उसकी दोस्तों वो ये है कि अगर जब आप इसको हाईवे पे लेके जाते हो, आप जब इसकी स्पीड क्रॉस करते हो 80 के बाद, तो 80 के बाद ये 80 की स्पीड के बाद ये स्मूथ नहीं है। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि बाइक एफर्ट ले रही है आगे बढ़ने में, हालांकि वही 350 cc का इंजन है जो कि क्लासिक 350 में और रॉयल इनफील्ड में भी आता है, J1 सीरीज़ का। उनमें काफ़ी आराम से आप, मेरे पास मीटियर भी है तो मीटियर को मैं 120 पे भी आराम से चलाता हूँ। वो कोई ऐसा नहीं लगता कि बाइक को कुछ भी एफर्ट ले रही है, लेकिन इस बाइक में हंटर में पता नहीं ये क्या बात है कि 80 के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बाइक थोड़े से एफर्ट ले रही है। और 100 किलोमीटर्स के बाद आपको, अगर आप 100 पे चला रहे हैं तो उसके बाद आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन भी फील होगी आपको। चौथा पॉइंट जो है वो है आपका गियर्स। तो गियर्स भी थोड़े से स्टिफ हैं, काफ़ी कंफर्टेबल नहीं हैं। चप्पल वगैरह में तो आप बिल्कुल नहीं चला सकते इस बाइक को। शूज़ भी आपको थोड़े से जो आगे से हार्ड हो वही पहन के आपको थोड़ी सी कंफर्टेबल लग सकती है कि हाँ आप गियर स्मूथली शिफ्ट हो रहे हैं, अदरवाइज़ गियर्स भी थोड़े से हार्ड ही हैं। दोस्तों जो इसका पांचवा नेगेटिव पॉइंट है वो थोड़ा कंसिडर करने लायक है, वो देखिए ये है इसका जो चेसिस है, ये देखिए यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ये जो आगे का चेसी है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बाइक सीधा इंजन पे टिकी हुई है और यहाँ पे फिर ये यहाँ पे झूले पे जुड़ती है, ठीक है। और बाकी ये ऊपर से कनेक्टेड है। अगर आप दूसरी बाइक देखें रॉयल इनफील्ड की मीटियोर या 350, वो नीचे मीटियोर या क्लासिक, वो नीचे से भी आपकी जुड़ी हुई है। तो ये आपको बाद में एक इशू फेस हो सकता है अगर आप इस पर थोड़ा हैवी वेट का बंदा बैठ रहा हो या फिर कुछ आपने कभी लोडिंग कर ली हो इस पर, तो आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं लगा मुझे इसका जो इसका चेसी है। इसके बाद जो इसकी सिक्स्थ जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका माइलेज। माइलेज एक लाइट वेट बाइक होने के बाद भी ये कुछ 35 km/h के हिसाब का माइलेज ही देती है, उससे ज़्यादा नहीं देती है। जो कि मीटियोर में भी आप देखो, मीटियोर में सेम इंजन है और मीटियोर इससे भारी भी है, लेकिन वो आपको अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो आपको 40 का माइलेज आराम से दे देगी, 43-42 ऐसे माइलेज आराम से दे देगी। लेकिन ये आपको 30-35-38 अगर कोई बंदा बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहा है तो आपको ये 38-40 से ज़्यादा, इतना इससे ज़्यादा माइलेज नहीं दे पाएगी, जो कि इसको देना चाहिए क्योंकि ये हल्की बाइक है, ठीक है। इसके बाद इसका जो नेगेटिव एक और पॉइंट है वो है इसके, इसमें ड्यूल चैनल ABS नहीं आता है आपको। यहाँ पे देखिए फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, सेकंड में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ पहले कि ये इसका फैक्ट्री ब्लैक मॉडल है जो कि सबसे, जो कि बेस मॉडल है। लेकिन सीधा मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि रॉयल एनफील्ड की मीटियोर में जो डबल चैनल ABS है वो एज स्टैंडर्ड दे रखा है, आप बेस मॉडल लें या फिर इसका टॉप वेरियंट लें तो उसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता ही है, लेकिन आपको हंटर में नहीं मिलता और क्लासिक 350 में भी नहीं मिलता। तो ये एक चीज़ है जो रॉयल एनफील्ड को कंसीडर करनी चाहिए। हालांकि जो भी प्राइसिंग है उसकी, वो प्राइस जो भी उनको कॉस्ट कर रहा है वो अपना फिक्स्ड रखें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ड्यूल चैनल ABS होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ सिमिलर चीज़ है जो इसके व्हील्स हैं, ये आते हैं इसको, इसमें स्पोक्स
स्पोक व्हील आते हैं दोनों में, ये बेस मॉडल में, और आपको टॉप वेरिएंट में आपको इसका अलॉय व्हील का मॉडल मिल जाएगा। लेकिन ये भी एज स्टैंडर्ड देना चाहिए, वही सेम चीज़ की प्राइस भी जो है वो अपना फिक्स रखें, जो भी उसका कॉस्टिंग कर रही है वो रखें अपना। लेकिन बाद में कस्टमर्स के लिए थोड़ी सी, जो भी इसको परचेज़ कर रहा है बाइक को, उसके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट पॉइंट हो जाता है। पहली चीज़ तो देखें, इसमें ट्यूबलेस टायर्स हो जाते हैं, जब आप अलॉय रिम डालते हैं तो ट्यूबलेस टायर्स आ जाते हैं उसके साथ में, तो जो भी आपका पंचर वगैरह है वो सारी चीज़ें आप आराम से फिक्स करवा सकते हैं बिना इसका टायर वगैरह उतारे। ट्यूबलेस जैसे ट्यूबलेस पंचर फिक्स होते हैं, तो ऐसे ही आप मेरा कहने का मतलब ये है कि इस रॉयल इनफील्ड की जो हंटर 350 है, इसमें भी आपको वही वाले अलॉय व्हील्स सारे टॉप सारे वेरिएंट्स में मिलने चाहिए, अलॉय व्हील्स और जो डिस्क ब्रेक्स हैं इसकी। तो इसके ब्रेक्स के और व्हील्स के अलावा जो एक पॉइंट है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि एज अ नेगेटिव पॉइंट है, बट ये देखिए जो इसके स्विचेस हैं, ये वही जो पुरानी बाइक्स जो इलेक्ट्रा वगैरह में देते थे वो स्विचेस दे रहे हैं। और क्योंकि ये बस बेस मॉडल है और इसके टॉप वेरिएंट्स में जैसे मीटियोर में और नई क्लासिक में आ रहे हैं रीबॉर्न में, वैसे स्विचेस आते हैं इसमें। तो और ये देखिए जो इसका ऑयल कंटेनर है, फ्रंट ब्रेक का ऑयल कंटेनर, ये भी पुरानी बाइक का ही दे रखा है। तो बस एक रिक्वेस्ट रॉयल इनफील्ड से कि सारे मॉडल्स में, जैसे हंटर है, हंटर का कोई भी वेरिएंट है, कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो सेम ही रखें, उससे थोड़ी बाइक की लुक अच्छी हो जाएगी, बाइक का जो एक्सपीरियंस होगा जो राइडर का वो अच्छा हो जाएगा, बस यही है। तो दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो और आपके काम आए, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको आपके लिए ऐसे ही कंटेंट इस चैनल पे आते रहते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।